मेरा नाम लक्ष्मण राव है, मेरी उम्र 65 वर्ष की है और जब मैं 20-22 साल का था 1975 में मैं दिल्ली आया हूँ। आरंभ में मैंने पान बीड़ी सिगरेट बेचना किया था, पुलिस वाले तो तंग करते थे, नगर निगम वाले भी तंग करते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे गाँव का एक लड़का रामदास वो पानी में डूबकर मर गया, उसके ऊपर मैंने पहला उपन्यास लिखा और उन दिनों मैं गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था और उनके ही पुस्तकों से मुझे प्रेरणा मिली और फिर एक दिन मैंने ये भी सोचा कि मैं भी ज़िंदगी में एक लेखक बनूंगा। इस तरह मैं एक दिन महाराष्ट्र में अमरावती में आया, अमरावती में मैं एक घर में रहकर डॉक्टर साहब के घर रहा 2 साल और वहाँ पर मैंने 10वीं पास की और उन्होंने मुझे एक स्पिनिंग मिल में काम दिलवाया, वहाँ पर मैं नौकरी करने लग गया, वो टेक्सटाइल मिल था। 5 वर्ष मैंने काम किया परंतु वो मिल बिजली कटौती के कारण बंद हो गया तो मैं गांव चला गया, गांव खेतीबाड़ी करने लग गया। उसके बाद फिर मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और उनको मैंने कहा कि मैं देखता हूँ मिल चालू हो गया हो तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं देख लो लेकिन वापस आ जाओ। परंतु वो 40 रुपये लेकर मैं भोपाल आ गया, भोपाल में मैंने 3 महीने भवनों पर मजदूरी की और उसके बाद फिर मैं 90 रुपये वहाँ से लेकर दिल्ली आया। दिल्ली में काम ढूंढ रहा था पर कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन इसी विष्णु दिगंबर मार्ग पर ढाबों पर बर्तन साफ करने लगा, साथ साथ भवनों पर मजदूरी भी करने लगे अगर वो काम अच्छा नहीं लगा तो। न केवल ये कार्यशाला चलाई इन्होंने बल्कि नए लेखकों को प्रोत्साहन के लिए भी इन्होंने बहुत ढेर सारा काम कर रखा है, बाजार भाव से बहुत कम रेट पर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध। इनके साहित्य में पहले 2 चीज़ें आपको बहुत ही, एक तो साफ सुथरी चीज़ें हैं क्योंकि आपको ऐसा लगेगा एकदम किसी इंसान ने फेस टू फेस बात कर रहा है, कहानियों के पात्र ऐसे हैं कि वो जीवित पात्र हैं, वो कोई ऐसे पात्र नहीं कि जो कहीं और से लाए गए, वो एक आम जिंदगी के पात्र हैं जो हमारी ज़िंदगी से निकल के और हमारे, अब आप इस किताब को पढ़ेंगे ऐसा लगे, किसी भी किताब को पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे हमें और आप या कोई भी पात्र जीवंत होते वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हीं पात्रों को उठा के इन्हें कहानी बनाई गई है।